सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ की तैयारी की जा रही है। वहीं अभी भी फरीदाबाद में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर छोटी खोरी और लकड़पुर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। देखिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस वक्त मैं समयपुर में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। कृषि योग्य भूमि है, फर्क सिर्फ इतना है, और यहाँ पर अवैध रूप से न केवल प्लॉटिंग की गई है बल्कि गरीब लोगों को बरगलाने का एक और प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं। देखिए खोरी की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप देखेंगे कैमरे की नज़र से कि कृषि योग्य भूमि पर यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाएगी बीच बीच में यहाँ पर बसावट शुरू कर दी गई है। कच्चे मकान बनाए जा रहे हैं, जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है बहुत ही निम्न स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। देखेंगे कि कतार से यहाँ पर जो है फ्लैट ये बनाए जा रहे हैं, और इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ईंटें रखी गई हैं, यानी कि अगला नंबर वहाँ पर निर्माण करने का है। एक तरफ सरकार किसानों की बात करती है, कृषि की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह से कृषि योग्य भूमि को बट्टा लगाया जा रहा है। इस भूमाफियाओं और अधिकारियों के कथित मिलीभगत के खेल में जो फंसता है वो गरीब आम आदमी है। जैसा कि आप ये देखेंगे कि सस्ते दरों पर प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध करवाने का प्रलोभन देकर किस्तों पर राशि वसूली जाती है, हालांकि गरीब व्यक्ति जो है वो सस्ती दरों पर और किस्तों पर मिलने के कारण यहाँ पर आशियाने खरीद लेता है, जैसा कि खोरी और लकड़पुर गांव में हुआ। लेकिन कमोबेश स्थिति वही बनी हुई है कि जब यहाँ पर कोई संज्ञान लेगा, कोर्ट अगर संज्ञान लेगा और इनके आशियाने उजाड़े जाएंगे तो क्या उसकी भरपाई वो अधिकारी करेंगे जिनकी मिलीभगत के चलते यहाँ पर ये इस तरह के अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं, या फिर वो भूमाफिया करेंगे जो सस्ते का प्रलोभन देकर लोगों को बरगलाकर इस तरह से अवैध रूप से बने प्लॉटों को उनको बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है खोरी में कि अब बख्शा नहीं जाएगा, वन क्षेत्र को खाली करवाया जाएगा, लेकिन ये कृषि योग्य भूमि जो है यहाँ पर जगह जगह पर आप ये एरिया देखेंगे, मेरे पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर वहाँ भी निर्माण हो चुके हैं, और कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर यहाँ से आप दिखाना चाहूँगी कि मैं ईंटें रखी हुई है, यानी कि वहाँ अगला चरण है निर्माण होने का। तो ऐसे में शायद कुछ साल बाद ये पूरा क्षेत्र भी छोटी खोरी के रूप में या फिर उससे भी बड़ा डेवलप हो सकता है, और ऐसे में फिर उन लोगों के सिर पर तोड़फोड़ की तलवार लटक सकती है जो अपनी खून पसीने की कमाई, अपने जो है पूरे जीवन की कमाई को उन भूमाफियाओं की भेंट चढ़ा देते हैं प्रलोभन के चक्कर में। बड़ा सवाल ये है कि वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि, अधिकारी और भूमाफिया कोई भी उस वक्त उनके दुख में साझा नहीं होता है जिस वक्त तोड़फोड़ की तलवार उनके सिर पर लटकी रहती है। बड़ा सवाल अब ये भी है कि आखिर खोरी से सबक लेते हुए अधिकारी और क्यों नहीं इस मामले में, और जो राजनीतिक लोग हैं जो यहाँ से वोट लेकर जाते हैं क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं, ताकि जो भोले भाले लोग हैं उन्हें आगे किसी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। बड़ा सवाल ये भी है कि इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कौन करेगा, ताकि उनके लिए सबक हो कि वो आगे किसी को इस तरह से अवैध प्लॉटिंग करके या अवैध निर्माण बेचकर उन्हें जो कार्रवाई का भाजन ना बना सकें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।